आज मैं 5 नंबर के लड्डू गोपाल की पोशाक बना रही हूँ और मोर पंखी की। इस तरह से मैं मोर पंखी बनाऊंगी। पहले हम ये नीले रंग की ऊन लेंगे। फिर मैं यहाँ 4 चेन बनाऊंगी, 1, 2, 3 और ये 4। इसको यहाँ से जोड़ दूंगी ऐसे। अब मैं एक चेन लेके यहाँ 12 चावल बनाऊंगी। तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11 और 12। ये मैंने ऐसे 12 चावल बना लिए। अब मैं इसको आधा करके काट। अब मैं यहाँ ये स्काई ब्लू कलर का धागा जोड़ दिया। अभी मैं आधे हाफ चावल से इसके ऊपर बनाऊंगी इस तरह से। न्यू लिया ऐसे ये मैंने सबके ऊपर से आधा आधा चावल ले लिया। अब मैं यहाँ से इसको लंबा खींच के यहाँ तक 6 चावल बनाऊंगी इसमें से। अब यहाँ मैं इसको आधे चावल से जोड़ दूंगी इस तरह। देखिए ये देखिए, अब मैं यहाँ येलो रंग की ऊन जोड़ दूंगी। यहाँ आधे आधे चावल से ही मैं पूरा कर ये मैंने पूरी लाइन कर दी है। हमें ये हरे कलर की ऊन लगाकर यहाँ से पहले मैं ये हाफ चावल बनाऊंगी एक बार। ये हाफ चावल बनाया मैंने एक बार।
अब मैं इसमें से फंदा डाल के ये हाफ चावल इस तरह से ये दो बार इस तरह से, अब ये इस तरह से फुल चावल यहाँ से दो बार, एक बार और ये दो बार, अब मैं ये दो बार लपेट कर ये मैंने यहाँ आधा चावल लिया, फिर लपेट के दूसरी बार मैं आधा चावल लिया, यहाँ मैंने फुल चावल लिए हैं दो, अब मैं इसके ऊपर दो बार लपेट कर ऐसे बनाऊं। दो बार, अब मैं इसको तीन बार लपेट कर यहाँ तीन बार बनाऊंगी। मैंने तीन बार बनाया, एक दो तीन बार, एक दो तीन चार पाँच, अब ऐसे में ये तीन बार लपेटा है, यहाँ मैंने दो बार लपेटा, यहाँ तीन बार, अब यहाँ चार बार लपेटा, ये तीन बार ही बनाऊ। एक तीन बार मैंने यहाँ बनाने के बाद तीन बार और इसको यहाँ जोड़ा, फिर मैंने यहाँ चार बार लपेट कर यहाँ बनाया। ये चार ऐसे, अब यहाँ मैं तीन बार लूंगी, यहाँ मैं दो बार, ऐसे ही हम यहाँ हमने एक बार ऐसे ऐसे ये लिया दो बार, यहाँ तीन बार, यहाँ चार बार, लेकिन मैं इसी तरह से मैं इधर भी इस पत्ती को पूरा करूँगी। ये देखिए, अब मैं यहाँ यहाँ भी आधे आधे चावल से इसको यहाँ तक लाऊंगी,
अगर यहाँ झोल सी आ रही हो तो एक में से दो भी ले सकती हैं। जैसे ये गोलाई आ रही है मेरी, तो मैंने एक में से दो ले लिया, यहाँ भी मैं एक से दो ले सकती हूँ। अब मैं इनके ऊपर भी ज्यादातर चावल से चैन बनाऊंगी, ये बनाऊंगी टाइप। अब ये मैंने यहाँ लिया था, यहाँ मैं दो निकालूंगी दो बार। पत्ती बनकर तैयार हो गई। इस तरह से मैंने ये पत्तियां बनाई। ये देखिए, ये मैंने 20 चैन लेके एक 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 चावल बनाया है, यहाँ फिर मैंने दो दो चावल बनाए हैं, फिर मैंने यहाँ से 6 चावल लेके 6 ये आस्तीन बनाई है। और यहाँ जैसे आने के बाद जोड़ने के बाद मैंने हर लाइन में एक सादा दो चावल, एक सादा दो चावल लिए हर में से। फिर दूसरी लाइन में दो सादा चावल, फिर एक में से दो। तीसरी लाइन में तीन सादा चावल और एक में से दो। चार ऐसी लाइन में मैंने 7 तक बना ली। अब मैं यहाँ ये इस तरह से जोड़ लूँगी, यहाँ से ये मैंने 1 2 3 यहाँ से ये यूँ जोड़ी। बिलू धागे से मैं इनको जोड़ हाफ चावल से, ये हाफ चावल निकाल लूंगी। 1 2 3 इस तरह से करके ये हाफ चावल निकाल लूंगी। ये 3 फिर चैन बनाऊंगी, ये हाफ चावल लूंगी। ये 3 चैन बनाऊंगी, यहाँ तक मैं ऐसे बनाऊंगी, फिर 3 से जोड़ूंगी इसको।
ये मैंने सारी कत्तियां जोड़ ली हैं। मैं इनको यहाँ सिल दूंगी। मैं इसको इस तरह से सिल रही हूँ। सभी कत्तियों को मैं सिल के ला रही हूँ। इसमें मैं मोती लगाऊंगी, फन लगाऊंगी। ये मैंने मोती लगा दी है चारों तरफ, गले पर भी। आप चाहें तो ये सुई धागे की मदद से लगा सकते हैं। मैंने इनको पेस्ट किया है, आप चाहें तो सुई धागे की मदद से लगा सकते हैं। ये देखिए मेरी पोशाक बनकर तैयार हो गई।